Next question is question number 2 that says simplify. This is from exercise 1.4 NCERT example. It says simplify. So we have 3 parts or 3 parts mein humare paas irrational number. So I will divide them into 3 parts, first, second and third. Ab sabse pehle we will solve for the first part. It is 7 under root 3, under root 10 plus under root 3. Ab aapne kya karna hai? Isko multiply karna hai. और डिवाइड करना है विद द बॉटम नंबर. बस उसमें क्या करना होता है, साइन चेंज कर दो. 10 माइनस अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है आपने. अब सबसे पहले जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपको आंसर मिलेगा, मल्टीप्लाई करोगे तब आपको आंसर मिलेगा 7 अंडर रूट 3, 10 माइनस अंडर रूट 3. दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जो न्यूमरेटर न्यूमरेटर है. अब नीचे 10 स्क्वायर, क्योंकि देखो एक प्लस है एक माइनस है, दोनों की वैल्यूज भी सेम है. सो दिस विल बी a square minus b square. So under root 10 square minus under root 3 whole square. Square se under root cancel kar do. So at the bottom you get 10 minus 3. 10 minus 3 kitna hai? 7. Upar wala part 7 under root 3. 10 minus under root 3. So 7 se 7 cancel ho gaya. Ab we get answer as 10 under root 3 minus 3. Kyunki under root 3 ko isse bhi multiply karenge. सेकेंड वाले टर्म से भी मल्टीप्लाई करेंगे. सो दिस इज योर आंसर, 10 अंडर रूट 3 माइनस 3. नेक्स्ट है हमारे पास 2 अंडर रूट 5 ओवर अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 5. तो अब मल्टीप्लाई और डिवाइड किससे करना है, अंडर रूट 6 एंड अंडर रूट 5 और माइनस का साइन. सो अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 5. सो यू गेट 2 अंडर रूट 5 अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 5 इन ब्रैकेट. At the bottom you get under root 6 square minus under root 5 square. Square से under root cancel कर दो. Square से under root cancel. तो आपके पास at the bottom क्या बचा? 1. So you get 2 under root 5. Under root 6 minus under root 5. So I will multiply this ahead. तो multiply करते हैं. सबसे पहले we will get 2 under root 30. 6 और 5 30 हो गए. Next term will be 2 into 5. क्योंकि अंडर रूट 5 कितनी बार है, 2 बार है. सो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाता है. सो यू गेट 2 अंडर रूट 30 माइनस 10. सो दिस इज योर आंसर फॉर द सेकेंड वन. अब आती है बारी आपकी थर्ड वाली, 3 अंडर रूट 2 ओवर अंडर रूट 15 प्लस 3 अंडर रूट 2. अब इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड किससे करना है, माइनस से. सो अंडर रूट 15 माइनस 3 अंडर रूट 2. So you get 3 under root 2 in bracket under root 15 minus 3 under root 2 over under root 15 square minus 3 under root 2 whole square. So you get 3, multiply kar rahe hain, expand kar rahe hain bracket ko. So you get 3 under root 30, then you get 9 under root 2 whole square. तो अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा. यहाँ पे 9 इंटू 2 18 हो जाएगा ये. तो आपके पास बचा 15 माइनस 9 इंटू 2 इज 18. सो यू गेट 3 अंडर रूट 30 एंड यू गेट 18 माइनस 15 माइनस 18 इज माइनस 3. तो आपके पास आंसर फाइनल क्या बचा, आप 3 और 18 को कैंसिल कर दोगे क्योंकि ऊपर से वी कैन टेक 3 कॉमन. सो अंडर रूट 30 माइनस 6 एंड एट द बॉटम यू हैव माइनस 3. सो 3 एंड 3 कैंसिल करो, यू आर लेफ्ट विद माइनस 1 एट द बॉटम. तो उससे होगा क्या कि आपका जो वैल्यू है माइनस अंडर रूट 30 हो जाएगी और प्लस 6 हो जाएगी. लास्ट वैल्यू विल बी दिस. अब आपने क्या करना है, तीनों को सब्ट्रैक्ट करना है क्योंकि देखो बीच में साइन क्या लगा हुआ है, तीनों के सब्ट्रैक्ट. फर्स्ट वैल्यू लिखते हैं. फर्स्ट वैल्यू है हमारी 10 अंडर रूट 3 माइनस सी, यहां से लिए ये. उसके बाद आपकी नेक्स्ट वैल्यू है माइनस इन ब्रैकेट, क्योंकि यहाँ पे देखो कैसी टर्म्स हैं, दो टर्म है. ये सबसे बड़ी गलती होती है यहाँ पे कि डायरेक्ट लिख देते हैं बच्चे. तो यहाँ पे आपने क्या करना है, जब भी आपको टू टर्म्स नजर आ रही हैं तो आपने क्या बनाना है, ब्रैकेट बनाना है. सो दिस विल बी 2 अंडर रूट 30 माइनस 10. Then in the last, we will write minus again and minus under root 30 plus 6. अब इसको हम further solve करते हैं, bracket open करके.
So you will get 10 under root 3 minus 3 minus 2 under root 30 plus 10 plus under root 30 minus 6. तो आपके पास वैल्यू क्या बचेगी यहाँ पे, यहाँ पे आपके पास है 10 अंडर रूट 3 सॉरी दिस इज अंडर रूट 10 हियर, दिस इज माय मिस्टेक हियर, कि सबसे पहले वैल्यू में मैंने अंडर रूट 10 नहीं लगाया यहाँ पे. सो अंडर रूट 10 हर जगह आएगा, तो यहाँ पे भी अंडर रूट 10 होगा हमारा. तो अंडर रूट 10 इंटू अंडर रूट 3 कितना हो गया, अंडर रूट 30. तो अंडर रूट 30 और अंडर रूट 30 और माइनस टू अंडर रूट 30 कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि देखो ये अंडर रूट 30 बन रहा है फर्स्ट टर्म हमारी, ठीक है मान लिया, ये भी हमारा अंडर रूट 30 है. तो दोनों टर्म्स मिला के क्या हो जाएंगे, टू अंडर रूट 30 और एक हमारे पास नेगेटिव है, तो वो कैंसिल हो गई. तो इससे हमें आंसर जीरो मिल गया, मतलब कोई भी वैल्यू हमारी अंडर रूट में अब नहीं रही. अब हमारे पास बचता है 10 माइनस 3 7, 7 माइनस 6 1. So your final answer is 1 for this question number 2. Thank you for watching this. Please like, share and subscribe.